हेलो फ्रेंड्स, आज हम मटर पनीर बनाने की रेसिपी देखेंगे। कैसे हम बनाते हैं मटर पनीर, और ये सब सामग्री आज मटर पनीर में लगेगी। जैसे हमारे पास हरी मटर हुई, पनीर हुई। अब आइए, कढ़ाई में हल्का तेल डालते हैं और देखें जब तक वो गर्म ना हो जाए। और जब गर्म हो जाए तो उसमें हरी मिर्च थोड़ा डालें और लहसुन डालें, थोड़ी सी अदरक भी डालें और उसे पकने दें। देखें जब तक वो थोड़ा सुनहरे टाइप का नहीं हो जाए, जब तक उसे भूनते रहें और बीच बीच में चलाते भी रहें ताकि उसका स्वाद बने और कढ़ाई में लगे भी ना। भूनते रहें बीच में, सभी एक ही कलर में आने चाहिए। और उसमें थोड़ा प्याज डालें, टमाटर डालें और उसे भी भूनें ताकि वो सभी का स्वाद एक ही साथ आए। और हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें कलर ना आ जाए, और तभी हम इससे स्वाद बढ़ेगा। इसे चलाते रहें बीच बीच में ताकि ये कढ़ाई में लगे ना। अगर कढ़ाई में लग जाए तो फिर इसका स्वाद ख़राब हो सकता है और आपका मटर पनीर अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए बीच बीच में भूनते रहें। अगर ऐसे ना पके तो उसे थाली से ढक दे थोड़े देर के लिए ताकि वो जल्दी हो और आपका मटर पनीर भी अच्छा बने। अब थाली को उठाएं और देखिए, अगर वो आपका भुन चुका है तो उसे प्लेट में निकाल लें और अच्छी तरह से उसे ठंडा होने दें ताकि आप उसे पीस सकें मिक्सी में। और जब वो मिक्सी में पीस जाएगी तब आपका मटर पनीर में जो मसाले आएगा वो अच्छी तरह से स्वाद अनुसार होगा। और आपका ये प्लेट में निकल चुका है और इसे मिक्सी में डालें। और अब ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी में डाल देंगे और इसे पीसेंगे। जब आपके ये पीस के तैयार हो जाएंगे तब इसका स्वाद और अच्छी तरह हो जाएगा और आप इससे वो रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अब पीसेंगे इसे और ये देखिए, ये आपका मटर पनीर का मसाला पीस के तैयार हो चुका है। और अब कढ़ाई में हल्का तेल डालें और उसे अच्छी तरह से गर्म होने दें और देखते रहें। अगर वो गर्म हो जाए तो आप उसमें कुछ डालें। जैसे कि हमने ये खड़ी मसाले लिए हैं, उसमें दो छोटी इलायची है और लौंग है, थोड़े जीरे हैं, थोड़े लाल मिर्च है और तेज पत्ते हैं। अब आप हम इसमें एक एक करके सब डालेंगे। पहले लौंग इलायची डालें, वो थोड़े पक गए, अब इसमें थोड़े जीरे डालेंगे। और ये भी जब चटकने लगे तो इसमें लाल मिर्च डालें और उसे तब इन सभी मसालों को तब तक भूनें जब तक ये लाल ना हो जाए और बीच बीच में चलाते रहें। इससे क्या होता है, मटर पनीर का स्वाद और अच्छी तरह से आता है। और हरे ही ना डालें बल्कि उन्हें अच्छी तरह से लाल कर ले भून के। और अब आप बीच बीच में इन्हें चलाते रहें ताकि ये चारों ओर पक जाए, कहीं हरा ना रह जाए। और अच्छी तरह से चलाएं, लगने ना दे कढ़ाई में। और जब ये पक के तैयार हो चुका है तो हमने जो मसाला तैयार किया था अब उसे उसमें डाल दें। और इसे डालने के बाद तब तक चलाएं जब तक इसमें तेल ना छूट जाए, ताकि इसमें स्वाद है जो और अच्छी तरह से आ जाए। तेल छूटने से ये होता है कि उसमें स्वाद और बढ़ जाता है और हमारा मटर पनीर बनके अच्छा से रेडी होता है और वह खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। इन्हें अच्छी तरह से चारों ओर से चलाएं और हल्का नमक डालें स्वाद अनुसार। उसमें थोड़ा हल्दी डालें ताकि कलर और अच्छा आए और आपका मटर पनीर अच्छा बने। और इसे फिर भुनें और आप चारों ओर चलाएं। ये देखिए, आपका मटर पनीर तेल छोड़ दिया है। अब इसमें जो हरे मटर हमने रखा था वो उसमें डालें और उससे भी चलाएं ताकि कहीं हरा मटर खाली ना रह जाए और मसाला चारों तरफ पकड़ ले उसे। और कढ़ाई में लगने ना दें, अच्छी तरह से उसे चलाएं। अब इसमें हल्का पानी डालेंगे जो कि 10 से 15 मिनट से पके, क्योंकि हमें मटर को ज़्यादा पकाना नहीं है। और उसे बाउल होने के लिए थोड़ा चला करके उसे
थाली से ढक दें और आप 10-15 मिनट के बाद थाली को जब उठाएंगे तो आपका मटर पनीर का स्वाद और अच्छा आएगा। और हमने थाली को उठाया और उसे देखेंगे कि कहीं नीचे पकड़ पकड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि चारों ओर हमें चलाना है। और अब मटर पनीर को डालेंगे और उसे भी हल्के आंच पे चलाएं ताकि पनीर में मसाला अच्छी तरह से आ जाए। और उसे भी थोड़ा उबाल लें ताकि जो पनीर का भी था हल्कापन वो टाइट हो जाए और मटर के साथ लग जाए। और हम इसमें स्वाद के लिए थोड़ा धनिया भी डालेंगे ताकि हमारा मटर पनीर का स्वाद अच्छा हो जाए। और धनिया डाल के हल्का उबाल आने दें उसमें ताकि हमारा मटर पनीर अच्छा लगे और टेस्टी बने। और हमारा ये उबल रहा है और हल्के हल्के चलाते रहें ताकि मसाला चारों ओर फैल जाए और हमारा मटर पनीर और अच्छा बने। और ये हमने सब डाल दिया है और गैस को बंद कर दिया है और हमारा ये मटर पनीर अब कुछ ही रेडी हो चुका है। और अब आप इसे पराठा या रोटी के साथ सर्व करें। हमारा टेस्टी मटर पनीर।